Class 10th A. Welcome back to our class. Today I am going to start our reading of the chapter. The name of the chapter is Surgery of a Triumph of Surgery. The name of the chapter, A Triumph of Surgery. I read it yesterday and now the remaining part of the chapter I am going to read. All the students take out your book and study with me. आ सर्जरी बच्चों कल हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था. आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल ग्रास्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड आई पैटेड एंड हेड एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. हमने आपको बताया था कि जब वो गाड़ी में बैठ कर चलने लगा तो उसने एक बार पीछे पलट कर उसको देखा, उस टिकी को देखा जो कि वो अपनी पूंछ हिलाना चाहता था लेकिन वो इतना अधिक कमज़ोर था कि वो अपनी पूंछ हिलाने में असमर्थ था. तो उसने क्या कहा, जो गाड़ी चला रहा था उसने क्या कहा, पुअर लैड पुअर ओल्ड लैड, अरे अरे बेचारे बूढ़े लड़के, आई सेड यू हैव नॉट अ किक ऑन यू, तुम किक नहीं मार सकते, बट आई थिंक नाउ यू आर क्योर. अब मुझे लगता है तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें अब क्योर चाहिए, यानी तुम्हें अब थोड़ी रोकथाम यानी तुम्हें इलाज चाहिए. आइए बच्चों उसके बाद से देखिए. फिर मैंने आपको इसमें इसी पैरे से मैंने जो आपको पढ़ाया उससे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे कि रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पढ़ के आप इसके पता लगाइए. आपका ये होमवर्क में काम जरूर होना चाहिए, ये आपकी कॉपी में मुझे चाहिए. ओके क्लास आगे बढ़िए. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, कहते हैं ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. अस्पताल में जब घर के कुत्तों ने दौड़ा कर मुझे घेर लिया. एट द सर्जरी, यहाँ पर अस्पताल से सेंस सर्जरी का मतलब है सर्जरी. द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घरेलू कुत्ते थे उन्होंने मुझे चारों ओर से आकर घेर लिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, टिकी जो था, जो डॉगी था, वो बड़ी अपनी बुझी हुई आंखों से उनके शोरगुल को सुन रहा था. वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो चुपचाप आके जो कारपेट बिछी थी वहां पर चुपचाप बैठ गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ जो कुत्ते थे उसके चारों ओर उसको आकर सूंघते रहे. फॉर अ फ्यू सेकंड तक मतलब सूंघते रहे. डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने क्या सोच लिया कि ये कुत्ता, कुछ देर सूंघने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ये एक डल प्राणी है और उसे अनदेखा करके इग्नोर करके वो लोग चले गए कि नहीं इसमें कुछ नहीं, वो अपनी जात का चले गए. कहते हैं व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक बेड लगाया. एंड टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे मैंने वहीं पर उसका, उसी के बगल में एक गर्म खुला हुआ संदूक था, उसी के बगल में मैंने उसको बिस्तर लगा दिया जहाँ अन्य कुत्ते भी सोते थे. फॉर टू डेज, दो दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने दो दिनों तक उसकी अच्छे से देखभाल की. गिविंग हिम नो फूड, से कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी खूब देते रहे. मैंने उसको दो दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया लेकिन मैंने उसको पानी बहुत दिया. कहते हैं एंड द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में यानी दो दिन जब हो गए, ही स्टार्टेड टू शो हिम सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, वो अपने चारों ओर को देखकर कुछ इंटरेस्ट जगा उसके अंदर. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगन टू विम्पर, और तीसरे दिन उसने क्या दिखाया, हल्की हल्की सी आवाजें करने लग गया, वे विम्पर करने लगा. ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो चारों तरफ के अपने वहाँ पर आंगन में वहाँ पे अपने प्लेस पे जब कुत्तों की आवाज़ सुनता था तो वो भी हल्की हल्की सी आवाज़ें करने लगा था, नहीं तो बिल्कुल डर था. ही वो धीरे धीरे सी आवाज़ें करने लगा था. वेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, टिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमिडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला टिक्की धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने तुरंत ही जो नाम था एक शिकारी कुत्ता था, क्या नाम था उस शिकारी कुत्ते का, नाम था जो था, जो नाम का उसका शिकारी कुत्ते का जो कुत्ता था, उसने जैसे किए ब्राउन ग्रे हाउंड यानी ग्रे कलर के उसके बाल थे एंड हिज फ्रेंड्स, और सब उसके कुत्ते थे और जो उसके कुत्ते थे और जो उसके दोस्त थे उनके द्वारा वो घेर लिया गया. जैसे इसने दरवाज़ा खोला वैसे वो बाहर आया टिक्की, तो और जो नाम का कुत्ता था और भी कुत्ते थे उनके द्वारा वो घेर लिया गया. एंड डिफरेंट आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग हिम, सब उसके ऊपर लत के उसके चरण सबसे घूम के चक्र से उसका निरीक्षण कर रहे थे. द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, उसके बाद बगीचे डॉग्स थे वो सब वही बगीचे में बैठ गए. दैट इफ फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील.
and that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. क्या कहता है कि उसके बाद से वो जानता था कि जो प्रत्येक कुत्ता था वो अपनी पहले की भांति खाता था, उसके बाद जो वहाँ से खाना खाने की तरीके से आवाज़ें आती थी, हर कुत्ता ये जानता था कि यदि वो पिछड़ गया तो अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ेगा. देखिए एवरी डॉग नोज, हर कुत्ता जानता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया अन्य लोगों से तो ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील. तो जो आखिरी का भोजन बचता था उसके लिए स्ट्रगल उसी को करना पड़ेगा जो लास्ट कुत्ता रह जाएगा, यानी उससे भोजन कम पड़ जाएगा. आगे देखिए, व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने अपना पूरा भोजन कर लिया, When they had finished, जब उन्होंने अपना भोजन कर लिया, टिकी took a walk around the sining board. जो टिकी था वो चमचमाते हुए कटोरे के चारों ओर घूमने लगा. लेकिन यूजली इन साइड वन आर टू ऑफ दम, एक या दो बार उसको अंदर बाहर से एक या दो बार से चाट दिया उसने, तो अच्छे से चाट के साफ कर दिया. नेक्स्ट डे अगले दिन एन एक्स्ट्रा बाउल वॉश पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग दिस वे टूअर्ड इट, और मैं बहुत खुश हो रहा था इस तरीके से वो जूझ रहा था खाने के लिए, मैं बहुत खुश हो रहा था. फ्रॉम देन ऑन, और तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, से किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट यानी उपचार नहीं किया गया. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन वो कुत्तों के साथ ही दौड़ता रहता था. उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि वो पूरे टाइम अपना कुत्तों के साथ रहता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्टिमेज, और उनके साथ बहुत ही मित्रता भाव से रहता था, फ्रेंडशिप के तरीके से रहता था. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बींग बाउल्ड ओवर, और वो आनंद लेता था कि जो लोग बाउल में झपटते थे, ट्रैम्पेड ऑन इन, एक दूसरे को कुचलते थे. एंड स्पेस एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, और वो अपने पूरे ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा सदस्य बन गया था. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी चूज एंड फाइटिंग लाइक ए टाइगर, बिल्कुल वो टाइगर की भांति इन सब चीज़ों पे टूट पड़ता था. ऑफ हिज शेयर एट मील टाइम्स, भोजन के समय अपना जो उसका शेयर जो होता था उसको बिल्कुल टाइगर के तरीके से टूट पड़ता था उस खाने पर. टाइमिंग एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में हंटिंग रैट्स यानी चूहों की भांति वो कहा होता था हैन हाउस में, जैसे मुर्गी अपने रात में चली जाती हैं ऐसे वो भी अपने घर में अपने जो उसका रूम था उसमें चला जाता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अब जीवन में उसके पास कोई समय नहीं था. जैसे जैसे छोटा प्राणी जैसे झबरेदार कुत्ते के समूह में भोजन के दौरान अपने हिस्से के लिए बाघ के समान लड़ता हुआ, तो रात में पुराने मुर्गी बाड़ों में चूहों का शिकार करता हुआ, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे दिन में वो शेर के समान शिकार करता था अपने खाने पीने के लिए, और रात में जैसे मुर्गी अपने दरबे में चली जाती ऐसे वो भी अपने रूम में चला जाता था. कहते थे ऑल द मीन टाइम इसी बीच उसके पास अपने ये इसके कोई उसके पास कोई समय नहीं था. ऑल द वाइल इसी के बीच मिसेज पम्फ्रे होवर्ड एनसेसली इन द बैकग्राउंड, वो बड़ी ही उत्सुकता से अपने आंगन के पीछे वाले पोर्शन में टहला करती थी. रिंगिंग आ डजन टाइम्स आ डे, एक दिन में दर्जनों बार बेल बजाती थी यानी बजाती थी रिंग करती थी. एंड द लेटेस्ट बुलेटिन, और फिर आखिरी में किसी न किसी के माध्यम से वो समाचार भेजती थी. आई डॉग द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज पुसंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कहते आई डॉग द क्वेश्चन, मैं इस बात पर मतलब शिकायत करता हूँ कि वेदर हिज पुसंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, भले ही उसके रोज पुसंस क्यों ना बदले जाते हूँ. फॉर हिज करेक्ट कोट वॉर्म अकॉर्डिंग टू वेदर, उसे मौसम के अकॉर्डिंग कोट पहनाया, सर्दी है तो उलन पहनाया गया, जाड़ा है तो रेनकोट पहनाया गया. बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उन्हें बताने में समर्थ हूँ दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अब आपका जो डॉगी है वो खतरे से बाहर है. एंड कन्वॉल्सिंग रैपिडली, और लगातार प्रोग्रेस कर रहा है. द वर्ड कॉन्वॉल्सिंगली सीम्स टू डू समथिंग टू मिस्टर फ्रॉम्फ्रे, मुझे लगातार प्रोग्रेस कर रहा है ये शब्द कहना मिस्टर फ्रॉम्फ्रे के लिए कुछ अलग सा महसूस होगा. सी स्टेयर टू बींग ब्राउन फ्रेश एग, अब वो क्या करेंगी, अब से वो तरोताजे अंडे लेना शुरू करेंगी, दो दर्जन अंडे एक समय में. टू बिल्ड अप टिकी स्ट्रेंथ, अब तो वो टिकी की स्ट्रेंथ बनाएंगी. फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, मेरी पार्टनर के लिए तो बहुत अच्छा समय ये होगा. आई हैव टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट,
ब्रेकफास्ट के लिए मैं उसे दो अंडे देता था बट हो गई थी एंड द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन टू द हाउस होल्ड। अब उसके लिए जो मेन समस्याएं थी वो जो वास्तविक संभावनाएं थी उसकी सिचुएशन की वे शुरू होना शुरू हो जाएंगी। अब घर के कार्यक्रम उनके अस्पताल का खत्म हुआ, अब घर का इसका कार्यक्रम शुरू होगा। इट वॉज टू इन दिस ब्लड और कहते हैं अब ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रिकी के कैसे है, ये सब चीज़ें ट्रिकी के ब्लड बढ़ाने के लिए हैं। ब्लड बढ़ाने के लिए लंच बिकम आज सेरेमोनियल सेरेमोनियल ओकेजन विथ टू ग्लासेज ऑफ वाइन। अब जो उसे भोजन मिलेगा उसमें भी दो बोतल वाइन मिलेगी एंड बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील और उसे भोजन में रोज दो बोतल वाइन दी जाया करेगी। आगे देखिए वी कुड हार्डली बिलीव इट, बड़ी मुश्किल से हम उसकी इस बात पर विश्वास कर पाए थे व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑफ टिकी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बहुत मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाए कि जब उसकी संपूर्ण शरीर संरचना के लिए ब्रांडी आने लगी, अब तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ब्रांडी आने लगी। फॉर ए फ्यू नाइट्स एंड फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड अराउंड, कहते कुछ रातों तक उसे अच्छी शराब के दौर चलते रहे, उसे सुना गया और आदर के साथ से पिया गया। सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरी, उसे बहुत ही विलासतापूर्वक उसे ख़त्म किया गया, उसे सुना गया और उसे पिया गया। उसके बाद दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट, वो बहुत संतुष्टि के दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग एंड द मॉर्निंग, अब उन्होंने मॉर्निंग में उसे एक्स्ट्रा एग भी देने शुरू कर दिए थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन और उसे मिड डे वाइन दिन में भी उसे शराब देने लगी थी। समझाने बात सुधरा हुआ उसके, अब दोपहर में भी शराब के साथ रात को भी आपके पास बैठकर ब्रांडी के साथ ही उसका रात का भोजन खत्म होता था। आगे देखिए विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में हाँ कहाँ गया ट्रिकी, हाँ एज ए इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑल द ए परमानेंट गेस्ट, कहते हैं और ये सब क्या था, ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान बनाकर रखना लालच था। कहते हैं एक टिकी को एक इस परमानेंट उसको गेस्ट बनाकर रखना है तो एक केवल लालच था। बट आई नो, मैं जानता था मिस्टर पम्फ्रे वॉज सफरिंग, बहुत कष्ट उठा रही होंगी मिस्टर पम्फ्रे, इसके बिना बहुत अधिक परेशान होंगी। आफ्टर अ फोर्ट नाइट 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, वो बात होकर उन्होंने फ़ोन किया एंड टेल हर, उनसे बताया दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड। मैं 15 दिन बाद उसे फ़ोन करके उनको बताया कि आपका डॉगी जो है बिल्कुल कैसा हो गया है, बहुत ही रिकवर्ड हो गया है, स्वस्थ हो गया है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो क्या कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों बाद अबाउट 30 फीट ऑफ द ग्लीमिंग ब्लैक मेंटल ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी, उसी के कहते हैं कुछ ही मिनटों के बाद लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली धातु की बनी जो गाड़ी थी वो अस्पताल के बाहर आकर रुकी, क्या हुआ आउटसाइड ऑफ द सर्जरी, वो अस्पताल के बाहर आकर रुकी। द चौफर ओपन द डोर, जो चौफर था उसने क्या किया, उसने गेट खोला, जो चालक था उसका नाम चौफर है, उसने गेट खोला। ओपन द डोर, चौफर था उसने गेट खोला एंड फेल्ट कंपेयर टू द फोन सॉरी एंड डोर खोला एंड कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और उसने क्या किया कि आकर देखा, सिर्फ अनुमान लगा पाया क्योंकि वह कार के अंदर लगभग कोई हुई स्थिति अपनी दिवस में परेशान थी मिस्टर डॉगी के बिना। कहते हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्ब इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथों ने कस के उसको जकड़ लिया, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओर कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर डू टेल मी द ट्रुथ, अब मुझे सच बताओ कि वास्तव में ये कैसे अच्छा हुआ, मतलब उसको कौरिया लिया, उससे पूछने लगी अब बताओ कि ये कैसे ठीक हुआ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं बगीचे के माध्यम से रुका हुआ अच्छा कैसे ठीक हुआ, यस इट इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, अब आपको कार से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। हैरियट ने कहा मिसेज पम्फ्रे से, आई विल गो एंड फेच यू, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, हाउस के माध्यम से एक बगीचे के माध्यम से घर तक गया। ए मैस वॉज डॉग वॉज हर्लिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, मतलब लॉन के चारों ओर कुत्ते उसे घेरे हुए थे एंड देयर डस्ट यर्स फ्लैपिंग टेल वेरी, वो कानों से कान हिला रहा था, अपने पूछ ला रहा था, बहुत द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द टिक्की, अब टिक्की जो था बिल्कुल एक सुंदर सा गोल्डन
प्रोसेस हो रहा था, इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिथे हार्ड सॉर्ट एनिमल। अब वो दो हफ्ते में वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद हिज विद द पैक और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने को मेंटेन कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट हिज ग्रेट बॉन्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट